फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको नेट करना चाहिए या आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, आपको अगर आपको पीएचडी करनी है या इंटरव्यू देना है तो कैसे आप प्रिपेयर करें। बाद आप कुछ लोगों का डाउट था कि अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहिए तो किस जॉब में आपको फोकस करना चाहिए और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कुछ बताएं। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको अपकमिंग जॉब्स का बताऊंगा और कैसे आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉब्स का मैं कहूँ तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपके पास जॉब्स है, पेटेंट ऑफिसर आपके पास है, बार्क आपके पास है, आप बार्क में जा सकते हैं, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट आपके पास है, और अगर मैं बात करूँ गेट के थ्रू आप ONGC जा सकते हैं, गेट आपके पास है। और नेक्स्ट, अगर आपने नेट आपका हो ही गया तो आप RPSC एग्ज़ाम, MPPSC एग्ज़ाम और UPSC एग्ज़ाम असिस्टेंट ऑफिसर की तरफ आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर आपके पास BEd भी है तो आप DSSB एग्ज़ाम यूपी में TGT, PGT, झारखंड में PGT या BPSC के PGT या TGT एग्ज़ाम, इनमें आप जा सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं और फ़िलहाल में आ रखी हैं, और कुछ आने वाली जॉब्स भी हैं, जैसे फसाई की जॉब्स मुझे लगता है दोबारा आपके देखने को आपको मिलेंगी, और भी कोई एनालिटिकल पोस्ट की आती रहती हैं, और बाकी कोई केमिस्ट्री की लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी आती रहती है, तो आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके लिए आपको प्रिपेयर करना क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, और या कैसे क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, आप ये देखें, ये सारी जो जॉब्स रिलेटेड है ना, वो केमिस्ट्री से ही है, और मैं केमिस्ट्री की जॉब्स में ही फोकस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, आपको केमिस्ट्री तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और केमिस्ट्री के लिए वही आपको सेम CSR नेट गेट का सिलेबस दोबारा करना है और अच्छे से करना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने JRF भी निकाला पर कोई टॉपिक आपका वीक था, आपने छोड़ दिया, उस टाइम पे तो वो चीज़ें चल गई क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस थे, पर इन सब जॉब्स में आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर इनमें आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, या ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप ये छोड़ के दूसरा अटैम्प्ट कर लें। सेकेंड है, इन जॉब्स में जो भी जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, और आप पूरा डीपली ना पढ़े पर बेसिक आपको ज़रूर पढ़ना है, यानी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने, बेसिक आपको ज़रूर पढ़ना है और सबका ही पढ़ना है। तो बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या कम से कम होनी चाहिए। देखिए, आप जितनी नेगेटिव मार्किंग इसमें करेंगे उतना आप फंसेंगे। तो थर्ड पॉइंट मेरा इससे ये प्रैक्टिस से मतलब है, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना सीखें, क्योंकि कहीं कहीं एग्ज़ाम में ऐसा है कम टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, या उतने ही क्वेश्चन है जितना टाइम है, और या कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मतलब आपके इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबी लंबी कैलकुलेशन करें, तो उसके शॉर्टकट्स और या कह सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और या उसके रिगार्डिंग कोई भी असाइनमेंट या टेस्ट दें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ ऐसे एग्ज़ाम के लिए मैं खुद भी लाने वाला हूँ, जल्दी मैं उसके अनाउंसमेंट करूँगा, तो आप चाहे वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं ये कहूँगा, प्रैक्टिस आप ड्यूरिंग अभी नेट और गेट के क्वेश्चन ही करेंगे जब तक, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेट और गेट से आपका ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम का सिलेबस कवर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, कई ऐसे एग्ज़ाम भी हैं इनमें जो रिटर्न एग्ज़ाम है, तो आप रिटर्न एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस कर लें अभी से। रिटर्न मतलब आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप लिखना भी सीखें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो रिटर्न एग्ज़ाम में। लाइक जैसे UPSC जियो साइंटिस्ट में आपको मेंस देना है, वहाँ पर आपको लिखना है, पेटेंट ऑफिसर में आपको मेंस देना है तो वहाँ पर आपको लिखना है, और कुछ नहीं पता आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने पड़े, तो इसीलिए मैं कहूँगा रिटर्न एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, टाइम शेड्यूल आप बना लें एक अच्छा, मतलब आप एक स्ट्रैटेजी बना लें कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, जैसे आपने JRF में किया था, और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें से मतलब है, केमिस्ट्री तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, पर इन सब एग्ज़ाम में भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, जो आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड पार्ट हो गया, आपका इंग्लिश पार्ट हो गया, आपके किसी किसी में जनरल हिंदी आती है, तो वो सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो देखिए, केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है तो ये आप पे एक एडवांटेज हमेशा रहेगी कि आप केमिस्ट्री को मतलब एक कम टाइम या एक मिनिमम टाइम देके भी कर सकते हैं, पर आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी या उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उन पे आप फोकस कर सकते हैं, लाइक एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन सब पे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम तो मैंने बहुत सारे बता दिए, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं तो आप सब पे फोकस करते हैं और कोई भी नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा, देखिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चूज़ कर लीजिए कोई भी दो तीन एग्ज़ाम, और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है, लेट सपोज़ कुछ एग्ज़ाम अभी ही आ रहे हैं, आपने आज ही सुने, आप आज ही प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो क्या पता वो ना हो, तो उससे क्या होगा, आपका ये टाइम भी बेकार जाएगा और अगले एग्ज़ाम को आप अच्छा कर सकते थे वो भी बेकार जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है
कोई आपके इंटरेस्ट का एग्ज़ाम ना हो और आप सोचें बस अब ये एग्ज़ाम आ रहा है तो वो पढ़ने लगे और फिर आपका वो भी ना हो, तो मैं ये कहूँगा आप पहले डिसाइड कर लीजिए कौन से आपका इंटरेस्ट का एग्ज़ाम है, किस में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, किसका सिलेबस क्या है, किसका पैटर्न क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपके कौन से दो तीन एग्ज़ाम है जो फोकस करने हैं और फिर उनको अच्छे से टाइम देके आप मतलब उसकी तैयारी करें। मतलब ऐसा नहीं है मैंने आपको 10 एग्ज़ाम बता दी तो आप 10 एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे एक साथ साथ। एग्ज़ाम देना एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस के लिए भी आप इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं और ख़ुद को देख सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, पर अगर आपको सच में कोई एग्ज़ाम निकालना है तो कम से कम आपको उसी में फोकस करना पड़ेगा या ज़्यादा फोकस कम से कम आपको उसमें होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझने आई। पॉइंट है मैं ये कहूँगा देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या इन तरीके के एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पेशेंस। मतलब आपका पेशेंस होना चाहिए, मतलब अभी अभी ऐसा भी होता है एग्ज़ाम पीछे खिसक जाते हैं, उनका रिजल्ट लेट आता है, तो वो भी आपको ज़रूरी होना चाहिए। तो पेशेंस से मेरा कहने का मतलब है आपको रेगुलर ही प्रैक्टिस करनी है जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मतलब ऐसा मत करना कि आप ही सोचा भाई एग्ज़ाम कब आएगा मैं तभी देखूंगा, 1 महीने पहले देखूंगा, 15 दिन पहले देखूंगा, तो देखिए ये काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। और ये आप बीच में अगर इससे भटक जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये देखिए जॉब्स के एग्ज़ाम है, एक बार आपकी लग गई तो आप हमेशा के लिए सेटल होने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आप पे पेशेंस ज़रूरी होना चाहिए और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप प्रैक्टिस खूब करें, और साथ में जो भी गलतियां आपने पहले की हैं या ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन गलतियों को भी आप एनालाइज करें और लास्ट में ये गलतियां ना करें। तो आई होप आपको पूरी बात समझने आ गई होगी और जो भी स्ट्रैटेजी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी होगी। उसके बावजूद अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।